हिमाचल से चुने हुए सांसद और हमारे भाई प्रदेश अध्यक्ष माननीय कश्यप जी, हिमाचल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सेजल जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मान्य नेतागण और आज उपस्थित सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, और जो आज वास्तव में कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति हैं, ब्लड डोनर्स, मैं उन सबका वंदन करके अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को हमने कभी बहुत हर्ष उल्लास और सेलिब्रेशंस में व्यर्थ नहीं किया। उनका लगातार सीख रही है कि जन्मदिन को अगर वास्तव में सेलिब्रेट करना है तो जितना अधिक आप सेवा कार्य कर सको, उतने सेवा कार्य देश भर में हो, तो मुझे लगेगा कि मेरा जन्मदिन समाज के काम आए। इस वर्ष तो विशेष है क्योंकि जैसा कश्यप जी ने बताया, 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं उनके एक चुनी हुई सरकार के नेतृत्व करते हुए। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2001 से 2014 तक, 2014 से 7 अक्टूबर 2021 तक, यानी 20 वर्ष बिना एक दिन छुट्टी लिए उन्होंने प्रदेश और देश की सेवा की, समाज की सेवा की है। चुनी हुई सरकार का नेतृत्व करने का सौभाग्य बिना एक दिन के भी रोक के शायद ही किसी को भारत में आज तक मिला हो, और ये कार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुशलता से, सेवा भाव से और एक प्रकार से अपने पूरे जीवन को समर्पण करके देश में एक नई ऊर्जा और नया मिसाल कायम की है। सेवा और समर्पण के इस कार्यक्रम के दौरान हिमाचल में भी ऐसे हजारों कार्यक्रम पूरे प्रदेश में इन दिनों चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। 7 तारीख तक पूरे देश में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता बंधु भगिनी कार्यक्रम कर रहे हैं, और मैं सभी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सभी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस पूरे देश में इस प्रकार के सेवा कार्यों से लोगों की सेवा की है, और करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी और सामान्य नागरिक भी इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं। वास्तव में जब हम ब्लड देते हैं तो खुद तो एक खुशी महसूस होती है एक समाज के हम काम आ सके, लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं और एक पूरे परिवार को भी बचाने का काम कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तब तो बहुत उत्साह के साथ हम भी ब्लड डोनेशन कैंप्स अरेंज किया करते थे, और उन दिनों थोड़ी हिचक ज्यादा थी, तब मेहनत भी बहुत करनी पड़ती थी, तो एक प्रकार से स्पर्धा चलती थी। कई बार पार्टी के माध्यम से कार्यक्रम होते थे, कई बार लायंस क्लब, रोटरी क्लब, अन्य अन्य समाज सेवा की संस्थाएं ब्लड डोनेशन ड्राइव करती थी। तो उस समय में और आज में एक कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें में फर्क देख रहा था। जब मैंने लास्ट ब्लड दिया था तब हमें बॉल से नहीं दिया करते थे प्रेस करने को, ये मैंने आज कई वर्षों बाद पहली बार देखा। ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं ब्लड डोनेशन के बाद समोसा और कॉफी मिलती है कि नहीं, वो भी हमने आनंद लिया है कि भाई ब्लड डोनेशन देते ही हमें कॉफी और समोसा मिला करता था। मुंबई की तो एक प्रथा
एस्टैब्लिश थी, लेकिन वास्तव में ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई खर्चा ही नहीं। जो व्यक्ति खून दे रहा है उसके जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं है, खून तो अपने आप में फिर से बन जाता है। और डॉक्टर्स तो आज मुझे हमारे यहाँ की छोटी बहन जो डॉक्टर है वो बता रही थी कि अब तो डायबिटिक होने से या ब्लड प्रेशर की दवाई खाने के बावजूद भी शायद 2018 में परिवर्तन हो गया। मुझे आनंद आया सुन के कि अब मैं भी ब्लड डोनेशन दे सकूंगा वापस। पर हमारे कार्यकर्ता जो दिन रात लगे हैं समाज सेवा में लगे हैं, उन सबको मैं तहे दिल से बधाई देता हूं। कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में सभी गरीबों को, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को 15 महीने तक जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुफ्त में अनाज देने का काम किया है, ये अपने आप में एक विश्व में लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, विश्व भर में इसकी चर्चा है कि कैसे इतने कठिन समय महामारी के इतने समस्या के दौरान भी भारत में कभी कोई एक जगह से भी सूचना नहीं आई कि किसी व्यक्ति को भूखा रहना पड़ा। और लोगों को बड़ी चिंता थी विश्व भर में कि भारत में कैसे महामारी का सामना करें, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हिमाचल में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में आज एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा, एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको इस भयंकर महामारी के बीच में भी कभी अन्न की कमी महसूस हुई हो या अन्न ना पहुंच पाए। और मैं सरकार के सभी अधिकारियों को भी बधाई दूंगा जिन्होंने इस कार्य को सफलतापूर्वक गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में तो टीकाकरण का कार्यक्रम भी बहुत ही सफलतापूर्वक चला है। आपका प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने 100% पहला डोज दिया, अभी तक लगभग 50% दूसरा डोज भी हो चुका है। और निर्धारित समय पे जब जब जिसका नंबर आता है उनको दूसरा डोज तेजी से दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शायद नवंबर अंत तक भारत का पहला प्रदेश होगा हिमाचल प्रदेश जिसने 100% सभी एडल्ट्स का टीकाकरण कर लिया। 50वीं सालगिरह हिमाचल प्रदेश इस वर्ष मना रहा है, मैं आप सबको बधाई देता हूं इस शुभ अवसर पर। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से तेज गति से हिमाचल विकास कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अन्य अन्य योजनाओं को हिमाचल प्रदेश ने जमीन पर उतारा है, हर व्यक्ति तक पहुंचा है, जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से हिमाचल ने अलग अलग योजनाओं से हिमाचल की जनता को लाभ पहुंचा है, उसके लिए मैं आप सभी को और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार को और आप सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं। आज के इस रक्तदान शिविर के लिए हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के शिमला मंडल के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी जो हमारे भाई बहन रक्त दे रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से साधुवाद और वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।